आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देश के जवानों के लिए राखियां लेकर बात्सल्य ग्राम की बेटियां जाएंगी अटारी बॉर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। देश की सीमा पर रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र राखियां लेकर वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की बेटियां इस बार अटारी बॉर्डर जाने वाली हैं, जिसके लिए आज वहीं वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में रक्षा सूत्र एकत्रित कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मेजर जनरल विक्रम सिंह, ब्रिगेडियर SS विगुल और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक दीदी माँ साध्वी रितंभरा यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुई, जहाँ पर यहाँ के मासूम छात्राओं ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां उन्हें देखकर आर्मी के अधिकारी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि यहां पर आज उन सैनिकों के लिए ये रक्षा सूत्र एकत्रित किए जा रहे थे, जो कि अपने परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं और जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों से दूर रहते हैं, जिसके बाद जब ये राखियां उनके हाथों पर वात्सल्य की बेटियां बांधती हैं तो उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वो वाकई ही देश की सेवा में भरपूर होते हैं और उन्हें नया उत्साह मिलता है। जिस तरह से आज यहाँ है बॉर्डर पे राखियां जा रही है, जो फौजी भाई बहनों से दूर होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आज तक पिछले 33-34 साल हम उधर रिसीव करते रहे हैं, पहले राखियां हमारे पास आती थी, आज एक मौका मिला है यहाँ से किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत से राखी बना के और किस निष्ठा के साथ वो भेज रहे हैं, तो एक बहुत सम्मान की बात है कि इस कार्य में हमारा भी थोड़ा सा हमें भी मौका मिला उनके साथ चलने का, और बहुत नोबल कॉज है। और दूसरा बहुत अच्छा लगा गुरुकुलम में आके, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गुरुकुलम। जब तक परिवार के लोग दूर होते हैं, त्यौहार होता है, उस समय सेना के लोगों को कैसा लगता है और इस समय जब कोई दूसरा और अपना बन के पहुंच जाए? वो आपके वीडियो में भी जैसे दिखाया, वो बहुत सेंटिमेंटल समय होता है, आंखों से नमी आ जाती है। आज उसको देख के और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया उसी को देख के आंखों में नमी आ गई, तो आप इमेजिन करिए जो परिवार से दूर बैठे हैं उनके पास जब राखी पहुँचती है, जिस श्रद्धा भाव से राखी पहुँचती है, तो अगर ऐसा ही जज्बा हमारे देश में रहा तो कोई दुश्मन नहीं आ सामने हमारे सामने टिक सकता। बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए रक्षाबंधन के लिए यहाँ से राखी जाने वाली, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बॉर्डर पे एक सैनिक जब जाता है तो ट्रेनिंग के बाद प्रतिज्ञा बद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा करने के लिए उसको भले जल थल नभ के किसी भी तरीके से अगर जाना हो, किसी भी दुर्गम स्थान पर जाना हो और तैनात रहना पड़े रात भर दिन भर, और तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाता है, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कि जो वो योगदान कर रहा है देश की अखंडता संप्रभुता बनाए रखने के लिए, उसकी जो जो वो सेक्रीफाइस दे रहा है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी सराहना की जा सकती है। और जब ये रक्षा राज सूत्र बंद कई की जो यात्राएं में जो छात्राएं जाती हैं जाएंगी वहाँ, और जब उनके ये राखी बांधेंगी जबकि उनकी बहनें पीछे गांव में हैं, तो जो फीलिंग उनमें आएगी तो उससे उनको उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये ना ही केवल उनके योगदान की सराहना वाला एक कार्य है, साथ ही साथ देश की जो सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने का कार्य है, क्योंकि इससे तमाम सैनिक और मुस्तैदी से वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो योगदान है देश की अखंडता बनाए रखने के लिए उसकी उसका देश सराहना कर रहा है और उसकी जो मूल्य है उसको समझ रहा है। आप सब सेना में हैं, सेना से जी, जो सैनिक वहाँ पे उनकी बहनें नहीं जा पाती, ऐसे में यहाँ से रह जाती है, उस समय क्या मन में हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं भी ऐसे ऐसे स्थान पर रहा हूँ जबकि मतलब मेरे को 35 साल से ऊपर हो गया देश की सेवा करते हुए, और मेरे ख्याल से 35 साल में 4-5 साल ऐसे हुए होंगे जिसमें मैं अपनी बहनों के साथ रहा जबकि उनसे डायरेक्टली राखी बंधवाई। ऐसे में अगर ये छात्राएं जब वहाँ जाएँ और उनके हाथ में जब राखी बांधेंगी तो उनको जो अपनी जो परिवार की कमी है वो नहीं महसूस होगी, क्योंकि चिट्ठी से तो राखी आ गई
और हम एक दूसरे से बंधवाएं या खुद ही बांध लें, उससे बेहतर है कि जो बच्चे वहाँ जाएं और अपनी, आपने देखा कितने उत्साह से इन्होंने ये पूरा जो कार्यक्रम किया कि तिरंगा पूरा फैला दिया उन्होंने, और इसी भावना से जब वो जाएंगे और ये राखी बांधेंगे तो उनको अपने परिवार की याद नहीं आएगी और वो एकदम जो एक दोबारा से एनर्जाइज होकर जिस तरीके से वो काम करेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक बहुत बड़ा और 2006 से अगर ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दीदी माँ के आशीर्वाद से, तो बहुत बढ़िया काम है। एंड मेरे ख्याल से और स्कूलों को ये मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि जो भी हम योगदान कर रहा है सैनिक उसका सराहना होती रहे, उसको यही चाहिए। जैसे इससे पहले किसी ने कहा कि कलाकार को क्या चाहिए, ताली चाहिए, एक देश के सैनिक को क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि पूरा नागरिक ऐसे हों जिसके लिए जान देने का मन करे। जो बॉर्डर के सैनिक हैं पहले उनसे जुड़ी थी, इसके लिए यहाँ की बेटियाँ जाकर के राखी बांधती हैं, कैसा उस समय मन में लगता है, कैसे ये विचार आया कि वहाँ तक जाना? अरे भैया, हमने देखा कि बॉर्डर पे खड़े सैनिकों की आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो बेटियाँ वहाँ जाती हैं फिर उनके पास चिट्ठियाँ भी आती हैं, और जब उनको छुट्टी होती है तो वो लोग वात्सल्य ग्राम भी आते हैं। इसलिए वात्सल्य ग्राम तो भाव संबंधों की धरती है और ये किसी बाउंड्री के में तो बांधी नहीं जा सकती। वात्सल्य तो असीम है, प्रेम भी असीम होता है, और फिर सैनिक वो जो हर त्यौहार पे ना बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, उसे अपनों की याद आती है और वो व्याकुल भी करती है। और उस नाजुक क्षण में जब ये पुत्रियां रक्षा सूत्र लेके जाती हैं तो उनको बहुत गहरा आनंद होता है। तो मैं समझती हूँ राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और हमारे देश का सैनिक, वैज्ञानिक और हमारे देश का किसान हमारे हृदय में बसता है, और हम भावों में बहुत जीते हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब मैंने ये संकल्प किया, अब तो जगह जगह राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्राएं निकलती हैं, हर बॉर्डर पर समाज जाता है, और ये बहुत सुंदर है। अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अगर जोत बुझ जाए ना तो उसे चिंगारी की जरूरत होती है, और ये वो प्रेरणा के क्षण होते हैं जब हमारा अंतर मन प्रेरित होता है और हमें लगता है हमें देश के लिए कुछ करना है। कितनी बेटियां कितनी राखी लेकर आती हैं? अब ये तो संबित इसके आंकड़े बताएगा, मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। बहुत सारी बेटियां जा रही हैं। जो हमारे देश में आज के 5000 वर्ष पहले गुरुकुलम व्यवस्था थी वो प्राय लुप्त हो गई। आज उसके पुनरुत्थान के लिए पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी ने जो संवेद गुरुकुलम के द्वारा इस पद्धति को प्रारंभ किया है, मैं कह सकता हूँ ये अद्वितीय कार्य है, अविस्मरणीय कार्य है। ऐसा लगता है कि जो कार्य संवेद गुरुकुलम में पूज्य दीदी माँ के द्वारा किया जा रहा है, मुझे अवसर मिला है बहुत देश में जाने का, लेकिन ऐसा द्वितीय कार्य मानव सेवा के लिए मैंने कहीं दूसरे स्थान पर नहीं देखा है। देखिए, जो हमारी रक्षा के लिए सेना का जवान खड़ा है बॉर्डर पे, वो किसी धर्म, जाति और क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन उसकी बहन है, प्रत्येक माँ उसकी माँ है। इसलिए हमारा भी ये पुनीत कर्तव्य होता है कि हम उन भाइयों को जाके हम हिम्मत बढ़ाएं, साहस बढ़ाएं, और हमारी बहनें उन्हें वहाँ जाके रक्षा सूत्र बांधें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।